हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। तो आप भी क्या कर रहे हैं, कॉपी पेन कर रहे हैं, ठीक है, समझ जाए क्वेश्चन को, नोट कर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 2 tan 30 / 1 + tan 30 किसके बराबर होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एक काम करते पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है वैल्यूज का, है ना, आपने क्या करना बुक में देख रहे हैं वैल्यूज का, या फिर आपको वैल्यूज याद रखनी है। 2 × 10^30, 10^30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3 / 1 + tan²³० 10^30 की वैल्यू होती है 1/√3, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 2 × 1 कितना होता है 2 / √3 1 + 1 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 1 / √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो अब क्या करेंगे, इसको 1/1 लिख सकते हैं हम लोग। अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपको पता है 1 और 3 का एलसीएम कितना आता है 3 आता है, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से 2 / 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 / √3 / 3 + 1 / 3 इज इक्वल टू 2 / √3 / 3 + 1 / 4 / 3 3 ऊपर चला गया 4 इधर चला, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 / 4√3। तो 2 × 2 कितना हो गया 4 जाता है, तो अब ये बच जाएगा 3/√3 3/√3 बच जाएगा। अब देखो √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास आ गया √3/2, ठीक है, √3/2 आ गया। अब यहाँ पर ये मुझे ये बताओ कि किसकी वैल्यू √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2, है ना। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँगा तो साइन 60 की बच्चों क्या होती है वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा साइन 60, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। तो देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, 1 − tan²⁰₅, 1 + tan²⁰₅। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1 − tan²⁰₅, यानी tan₄₅ की वैल्यू कितनी होती है, tan₄₅ की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + tan²⁰₅, tan₄₅ की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर करते, तो 1 − 1 का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया कितना 0, और 1 + 1 कितना 2, 0/2 कितना हो जाएगा 0/2 कितना हो जाएगा 0। अब मुझे ये बताओ इसमें से किस 0 कहां पर लिखा हुआ है, ये फोर्थ ऑप्शन है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा तो बच्चों करेक्ट हो जाएगा। आ गया होगा समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू a के, हम a एंगल जो है उसकी क्या वैल्यू रखेंगे कि साइन 2a किसके बराबर आ जाए 2 sin a। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो वह 0 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं क्या करूं a की वैल्यू 0 रख दूं, तो साइन 2 × 0 इज इक्वल टू 2 sin 0, साइन 2 × 0 कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 2 sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 कितना 0 इज इक्वल टू 2 × 0 कितना हो गया 0। तो ये क्या है, अगर मैं a की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या है, 2 tan₃₀ / 1 − tan²³० ऐसे करके कुछ दिया हुआ है और यहाँ ऑप्शन दिए हुए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आपको पता है 2 × 10^30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो 1/√3 / 1 − 1 − tan₃₀ की वैल्यू √3, और इसका स्क्वायर कर दें तो जाएगा 2 × 2 / √3 / 1 − 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो अब क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, इसके अपॉन में 3 और ऊपर भी 3 का 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 2 / √3 / 3 − 1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा 2 / 3, 3 को ऊपर ले जाएंगे 2 को इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 / 2√3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 3/√3, तो 3/√3, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या √3 × √3,
और अपॉन में रूट थ्री भी है, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल कर दो, हमारा कितना कितना आंसर आ गया, तो हमारा आंसर है बच्चों रूट थ्री आंसर। अब मुझे एक चीज बताओ रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, तो आप देखोगे तो रूट थ्री जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है सॉरी साइन सिक्सटी टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है, तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, आ रहा होगा बहुत ही आसान है। ठीक है, आपने क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री में ना आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया हम लोगों का पार्ट, तो मैं क्या करता हूँ ये कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, मैं इसको रिलीज कर दूँ। अब बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है टेन जो हमारे पास टेन ए प्लस बी है ना, टेन ए प्लस बी उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रूट थ्री, और टेन ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, वन अपॉन रूट थ्री। अच्छा एक बार बताइए टेन ए प्लस बी है ना, तो ये बताओ मुझे रूट थ्री टेन में रूट थ्री की वैल्यू कब आती है, ये तब आती है जब टेन सिक्सटी रखते हैं हम लोग, क्या रखते हैं टेन सिक्सटी, क्योंकि टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री होती है, तो टेन रूट थ्री की जगह टेन सिक्सटी रख दिया, इस साइड क्या है टेन ए प्लस बी है, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 60 डिग्री। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो tan a माइनस b जो है उसको किसके बराबर रख दिया, 1 अपॉन रूट थ्री के बराबर, तो 1 अपॉन रूट थ्री कब आता है जब tan 30 होता है, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री होती है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस b इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, ये हमारा सेकंड ऑप्शन। अब आपने सॉल्व करना सीखा हुआ है, अगर हमारे पास दो इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है कि a प्लस b इक्वल टू 60 और a माइनस b इक्वल टू 30 दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, a में a जोड़ दोगे तो हो जाएगा 2a, अच्छा प्लस b और माइनस b क्या हो जाएगा कैंसिल, और 60 प्लस 30 कितना होता है 90, तो 2 यहां इनटू में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 90/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई 45। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे a की वैल्यू 45 आ गई तो b कैसे निकालूंगा, तो कोई भी इक्वेशन रख लो, तो पहले वाली इक्वेशन ले a plus b is equal to 60 वाली, यहाँ पे a की वैल्यू 45 रख दो, तो b कितना हो जाएगा, तो b क्या है 45 जो यहाँ प्लस में होता जाएगा क्या होता है माइनस में, तो 60 माइनस 45, तो हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, a 45 डिग्री और b कितना 15 डिग्री, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया होगा समझ में, एक्सरसाइज 8.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स वाला है, और वो ट्रू फॉल्स हम लोग करते हैं, आगे होगा समझ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और इस हम क्या है आगे वाली एक्सरसाइज भी क्या करेंगे लेके आएंगे, एक्सरसाइज 8.3 8.4 हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।